ये हीरोइन थोड़ी सटकेली है। जी हाँ, जिस हीरोइन का हमें लंबे समय से इंतजार था, मधुर ने फाइनली रिलीज किया तो सटकेली बना के। मधुर, सीधी शादी करीना को आपने क्या कर दिया? मेरे ख्याल से सटकेली नहीं, सटकेली एक कैरेक्टर जो गहरा है पिक्चर में, और मेरे ख्याल से एक अलग करीना आपको देखने मिलेगी। जब हम अब रियल लाइफ और फिल्म की बात करें, करीना जो पोर्ट्रे कर रही कैरेक्टर के एक्ट्रेस का फिल्म में, जो रियल लाइफ में वो है, लेकिन आपको एक अलग करीना देखने मिलेगी। हम करीना कपूर की बात नहीं करते, हम माही अरोरा की बात करते हैं कि माही अरोरा एक कैरेक्टर है जो वाकई में सटकेली है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एग्रेसिव है, एजी है, और जिस तरह बेबाकी से उसने जो काम निभाया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो उतना ही पसंद फिल्म में करोगे आप लोग। करीना फाइनली ट्रेलर रिलीज हो गया और सटकेली हीरोइन सामने आ गई, रिएक्शन तो काफ़ी अच्छे थे, आप बताइए कैसा लगा? आई थिंक आप लोग बताओ। आई थिंक फॉर मी इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू द फिल्म एंड आई ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूँगी, आई मीन फर्स्ट ट्रेलर से लेके पोस्टर्स एंड ऑल सब कॉन्ट्रोवर्सीज से घिरे हुए हैं ना, सारे कोई कॉपी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मिक्सचर बोल रहा है, तो किस तरह से लेती हैं इन सब चीज़ों को, कैसे आंसर देंगे? आपने बेबाकी से आपने उसमें आंसर्स दिए मीडिया को, पर हम लोग एक पोस्टर कॉपी करने की बोलते हैं, हम लोग तो पूरी फिल्म कॉपी करके बना लेते हैं, तो उसमें क्या है? मधुर, आप क्या कहें? ये इंस्पिरेशन हो सकता है लेकिन कॉपी नहीं है, और खास करके मेरी फिल्म की बात करें, मुझे 11 साल हुए इंडस्ट्री में, आप लोग ने दर्जा दिया है कि मधुर भंडारकर की दोनों फिल्में को जो ओरिजिनल फिल्म बनाता है, मैं फिल्म ओरिजिनल बनाता हूँ, जिसके लिए ना कि समक्षों से, ना ऑडियंस से, ना कि राष्ट्र पुरस्कार, 4 राष्ट्र पुरस्कार मुझे खुद को मिल चुके हैं, तो मुझे पता है कि मैं अगर ओरिजिनल फिल्म नहीं बनाता इस लेवल पर नहीं पहुँचता। तो मेरे ख्याल से एक फिल्म को आप टोटलिटी में देखनी चाहिए, ना कि कहीं इंस्पिरेशन देखनी चाहिए। इसके अलावा करीना, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरे शूज़ में कोई स्टेप इन नहीं कर सकता, आई मीन क्या कोई इतना आपसे कंपेयर करने के लायक नहीं है, या शूज़ बहुत बड़े हैं सिर्फ आपके लिए जगह? मैं अपना काम करती हूँ, आई एम रियली नॉट, मैं दूसरे लोग क्या करते हैं उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं है। ओके, मधुर या हियर, जैसे आपने बोला कि रियल लाइफ पे बेस्ट ऑफ फिल्म बनाते हैं, रियल इंसिडेंट पे, क्या मधुर इस इंसिडेंट पे फिल्म बनाएंगे कि इस हीरोइन का प्रोसेस किस तरह से शुरू हुआ? आई मीन हीरोइन शुरू हुई, एक्टर कोई और, फिर बीच में जो भी सिलसिले आए, चलता गया, फाइनली ट्रेलर, क्या इस पर कोई फिल्म बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अब एंड ऑफ द डे जब देखते हैं, मैं खुश हूँ कि आज जो फिल्म शुरू हुई थी जनवरी में, आज ख़त्म हुई है जुलाई में, और बेबो के बर्थडे पे रिलीज़ है पिक्चर। मेरे ख्याल से मैं अल्टीमेटली वो देखना चाहिए कि किस तरह से एक संघर्ष जो रहा है मेरा, और पिक्चर ख़त्म हुई कि एक हीरोइन जो एक ऐसी फिल्म है मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही करीब रही है फिल्म, क्योंकि लोग हमेशा मेरे पे टिका करते थे कि मधुर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ट्रैफिक सिग्नल, पेस्ट्री वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड पे टिका करते हो, क्या आप अपनी खुद की इंडस्ट्री का फिल्म बनाओगे? और मैं इस बात से खुशी है कि एक मैंने ऐसी फिल्म बनाई है जो लोगों को ना कि केवल सवाल पूछने पर मजबूर करेगी, बल्कि इमोशनली भी उनको ऐसा प्रश्नचिन्ह होगा कि इस तरह की फिल्म कैसे बना सकता मधुर, और डेफिनेटली लोगों से इतना ही पसंद करेंगे, सराहेंगे, जितना बाकी फिल्मों को सराहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा? I hope so. I hope that this will be the best birthday gift. Thank you so much. I hope कि आपकी फिल्म best जाए और ढेर सारे awards मिले। कैमरा पर्सन हरिशंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, Zoom Mumbai. Hi, this is Moni Roy. To watch and share with your friends the latest videos of Bollywood news and interviews on Facebook, go to www.zoomtvapps.com/bollywoodvideos.